हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपका स्वागत करती हूँ रेस्टलेस रेखा पर। तो ये देखिए कितने लाजवाब आलू और मेथी के पराठे बनकर तैयार हैं। आलू के साथ मेथी मिलाने से ये पराठे बिल्कुल नए अंदाज में बनते हैं और स्वादिष्ट भी उतना ही बनते हैं। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू लिया हुआ है। तो अभी एक एक करके मसाले डालते जाएंगे और एक स्टफिंग बनाकर रेडी कर देते हैं। तो पहले डाल देंगे नमक स्वादानुसार, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, ओरिगैनो 1/2 चम्मच। अब अमचूर पाउडर डाल देते हैं 1 चम्मच, और पराठे को चटपटा बनाने के लिए डाल देते हैं 1/2 चम्मच चाट मसाला। थोड़ा सा हींग डाल देते हैं। अब लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और बढ़िया कलर के लिए हल्दी का पाउडर डाल देते हैं। अब हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने मेथी लिया है, जिसे मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया है, तो डाल देती हूँ। अब हरा धनिया डाल देते हैं। अब लास्ट में थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं ताकि खट्टापन आए। तो अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएंगे और एक स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। अगर आपका स्टफिंग पतला लग रहा है तो थोड़ा सा गेहूं का आटा या बेसन का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। तो अच्छे से हाथ से इसे मसलते जाएंगे। तो देखिए स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी है। तो चलिए अब पराठे बेलना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा गूंद के रख लिया है, वैसे ही जैसे आप पूरी या चपाती के लिए आटा गूंदते हैं, पर यहाँ पे मैंने उससे भी थोड़ा सॉफ्ट आटा गूंद लिया है। तो अब एक लोई तोड़ लेती हूँ। यहाँ पे एक मीडियम साइज पराठा बना रही हूँ। अब हाथों से ऐसे गोल करके एक शेप देंगे और सूखे आटे में लपेटकर एक कटोरी जैसा शेप देते जाएंगे। नहीं तो आप एक छोटा पूरी जैसा बना के भी स्टफिंग भर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आटे से ज़्यादा स्टफिंग लिया है, आप इक्वल क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। अब ऐसे प्लेट्स बनाते हुए स्टफिंग भरेंगे और इसे सील कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आ सके। तो ये रेडी है बेलने के लिए। बेलना शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क के पराठा बेलेंगे ताकि ना चिपके। ऐसे थोड़ा सा हाथ से टैप करेंगे ताकि स्टफिंग एज तक जाए। तो अब अपने हल्के हाथों से बेलते जाएंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अब एक मीडियम साइज का पराठा बनाएंगे। तो लगभग तैयार है पराठा बेल के। अब लास्ट में ऐसे हाथों से इवन शेप देंगे पराठे को। तो अब ये सेकने के लिए तैयार है। पराठा सेकने के लिए तवा भी गर्म हो चुका है। थोड़ा इसे बटर से ग्रीस कर लेते हैं
आप घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बेले हुए पराठे को गरम तवे पर डाल देते हैं। और थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर लेते हैं। तो अब फ्लिप कर लेते हैं। फ्लिप करने के बाद फिर से बटर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे आलू और मेथी के पराठे में। तो ये बिल्कुल बनकर रेडी है। तो पराठा रेडी है सर्व करने के लिए। इसे आप बटर, घी, दही या किसी भी प्रकार के अचार के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।